समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी कानपुर ग्रामीण के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह यादव जी के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं के साथ जितेंद्र सिंह गौतम ने सड़क पर उतरकर प्रदेश सरकार की गुंडागर्दी के खिलाफ ज्ञापन दिया। बिल्लौर जीटी रोड से तहसील तक किया पैदल रैली और जमकर की नारेबाजी। काफिले में समाजवादी पार्टी के काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडिया समाचार से रिपोर्टर सुरजीत पाल की ये थी खास रिपोर्ट। अब मैं समाजवादी पार्टी के जानू जिला अध्यक्ष हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, आज भी लड़ा और लड़ना भी चाहिए। दोस्तों आप लोग कोई बतलाइए, सांप्रदायिकता क्या समाज के अंदर फैली हुई है? समाज में हम मुसलमान हैं, आप हमें मोहब्बत से नहीं लड़ रहे? यहाँ की अपनी जगह पर थे, वो विजय हुए उसी तरीके से ज्यादा की आवाज पर आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का उसी तरीके से अंत होगा, इस देश से भाजपा पार्टी का अंत होगा और समाजवादी पार्टी का सरकार हमारी बहुमत से बनेगी। आने वाले समय में एक एक लोग नहीं कहते हैं, एक एक पार्टी के आह्वान पर तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अराजकता गुंडागर्दी का माहौल है, इस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, इस तरीके का ब्लॉक लोक चुनाव में अधिकारियों ने अपनी तरह से पूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम किया है। इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर घूमे आंदोलन करने आए हैं। विधानसभा बिल्लौर का जो अनुशासित कार्यक्रम चला है, इसी प्रकार से सब लोग चलेंगे। इसी के साथ मैया रचना सिंह की।